तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा यह होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के एडमिशन अलर्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये PhD एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से। सो इस वीडियो में हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं एंड किस इंस्टीट्यूट से ये PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है, कितनी सीट्स अवेलेबल है एंड किस किस सब्जेक्ट में जो है सीट्स अवेलेबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहेगा और आवेदन फीस जो है क्या रहने वाली है, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो दोस्तों अगर वीडियो जो है मेरे द्वारा बनाई गई आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर ताकि जो अदर स्टूडेंट है उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों ये मेरे चैनल की जो है प्लेलिस्ट है हाउ टू बिकम प्रोफेसर, जिसमें आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट्स था कि सर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में या होटल मैनेजमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। नेट JRF क्लियर करने के बाद आप क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहते हैं उसके पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। PhD कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और PhD में एडमिशन आपको बिना नेट या जो सेट है क्वालिफाई करे अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं एंड जो है ये API स्कोर या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यूज जो स्क्रीनिंग होती है वो कैसे जो है सिलेक्शन होता है एंड प्रमोशन कैसे, एलिजिबिलिटी एंड पे स्केल क्या है, इनसे संबंधी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, तो आप इस जो है लिस्ट में जा सकते हैं। तो चल दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद से जो है ये PhD एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर जो है इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर जो है जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको PhD एडवर्टीजमेंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ AS एट IIITA, ठीक है, एडमिशन नोटिस फॉर फुल टाइम PhD प्रोग्राम 2020, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या है। तो मैं चलो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है एडमिशन नोटिस फॉर फुल टाइम PhD प्रोग्राम 2020 डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है PhD प्रोग्राम के लिए IIIT इलाहाबाद में और PhD जो अवेलेबल है प्रोग्राम वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है PhD प्रोग्राम उपलब्ध है। रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं कौन कौन से रिसर्च एरिया है एंड मैं यहाँ पे जो है आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी में कम से कम 65% अंकों के साथ या कम से कम 7 CGPI आपका होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के है तो आप जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर 5% की छूट मिल गई, 6.5 CGPI होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, एक तो एलिजिबिलिटी ये है। अगर आपके पास ये नहीं है मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ, आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PhD एडमिशन के लिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कम से कम 75% अंकों के साथ या 8 CGPI, 70% SC ST के लिए हो जाएगा और आपके पास गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, यानी कि BTEC और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद भी आप जो है अगर गेट आपका क्वालिफाई है तो आप जो है यहाँ पर PhD में एडमिशन ले सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मास्टर डिग्री इन साइंस MSc होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, MSc IT, MSc CS, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स, ठीक है, या तो आपकी MSc मैथ से होनी चाहिए, MSc IT, MSc CS, ठीक है, आपकी होनी चाहिए 65% अंकों के साथ या 7 CGPI जो है आपका ये होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन इन बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका
और आपका इंस्पायर जेआरएफ नेट सेट और वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है, अगर आपने बीटेक कर रखा है, गेट आपका स्कोर आपने क्वालिफाई कर रखा है, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एमटेक है या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या मैथमेटिक्स या स्टेटिक्स से है, 65% अंक है, तो आप जो है यहाँ पर, और इंस्पायर जेआरएफ नेट सेट और वैलिड गेट है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जो है कैंडिडेट्स अंडर द इंस्टीट्यूट फेलोशिप नेशनल फॉर इंटरनेशनल सपोर्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेलोशिप यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है आपको फेलोशिप भी दी जाएगी। ठीक है, ओनली लिमिटेड इंस्टीट्यूट फेलोशिप आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब जो फेलोशिप मिलेगी वो कुछ मतलब जो है ओनली लिमिटेड इंस्टीट्यूट फेलोशिप आर अवेलेबल। ठीक है, लिमिटेड है बट जो है यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, आपको आवेदन यहाँ पे करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे जो एडमिशन है आपका, वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो फीस है आपकी 500 रुपये है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 250 रुपये है आपका एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, फेलोशिप जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एमएचआरडी, इसके अनुसार जो है आपको फेलोशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी 3 अक्टूबर रहने वाली है। और यहाँ पे जो है रिटर्न एग्जाम या जो इंटरव्यू के लिए जो आपका लिस्ट जारी होगी 7 अक्टूबर को होगी। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा 15 अक्टूबर को। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम 17 अक्टूबर को, यानी कि एक दिन बाद ही आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, अगर कोई रिटर्न एग्जाम में जो है ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाता है तो उनको 28 अक्टूबर को जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है दी जाएगी। डेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट रिजल्ट 4 नवंबर को, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये आपका नवंबर के सेकेंड वीक में होगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। नाउ अब जो है यहाँ पे ये जनरल एलिजिबिलिटी दी रखी है एंड ये जो है डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न एग्जाम के आधार पर जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और रिटर्न एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम जो है आपका डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 16 अक्टूबर 2020 है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर आप जो है और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉर्मली जो है मैं बता देता हूँ, जो सिलेबस जो इंटरव्यू जो आपका रिटर्न एग्जाम का रहने वाला है आपका जो है, पहले तो एक पेपर जो जर्नल रहता है एंड दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने जो है एमएससी या एमटेक या जो है बीटेक आपने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, या मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग की जो है आप कैसे आप यहाँ पर जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है अगर फीस भी हम देखें तो फीस स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, फीस क्या रहने वाली है। जर्नल यहाँ पे अगर हम बात करें पीएचडी के लिए, तो जो पीएचडी के लिए जो फीस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,400 रुपये है, एंड ट्यूशन फी एनुअल ड्यूज और ये मान के चलिए टोटल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 93,150। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कितनी फीस आपकी है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक टाइमलाइन पर इसको शेयर कर दें, और चलिए मिलते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पीएचडी आपको कहाँ से करनी है, यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए।